तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्मार्ट काउंटिंग आरएसएनआर के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में स्कूल की बुक्स को टैली में हम किस तरीके से मेंटेन करते हैं स्कूल के रियल वाउचर्स के साथ, ये हमने प्रैक्टिकल रूप से इनकी एंट्रियाँ करके देखी थी। तो फ्रेंड्स और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भी स्कूल की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को टैली में मेंटेन करने के बाद में तो बुक्स का फाइनलाइजेशन हम एमएस एक्सेल में किस तरीके से करेंगे एज ए ऑडिटर की व्यू से, यानी कि हम बुक टैली को देख के बैलेंस शीट हम किस तरीके से तैयार करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स किस तरीके से बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरीके से बनेगा, तो ये भी आज हम प्रैक्टिकल रूप से सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारा स्कूल अकाउंटिंग पार्ट वन का वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के साथ साथ आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें ताकि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया और ऊपर आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसे लगी आप ये हमें कमेंट करके भी जरूर बताना, अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर भी आप जरूर कर देना, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड इन सब वाउचर्स की एंट्री हमने लास्ट वीडियो में कर ली थी जिसके अंदर कुछ एंट्री हमारी रिसिप्ट वाउचर की थी जिसे हमारे स्टूडेंट्स की जो फीस हमें रिसिप्ट हुई थी उसकी एंट्री हमने करी थी और रिसिप्ट की एंट्री करने से पहले कुछ हमने इसकी जर्नल एंट्री भी करी थी। तो ये सब कुछ आपको पिछली वीडियो में यानी कि स्कूल अकाउंटिंग का पार्ट वन का जो वीडियो है उसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। और ये सारी ट्रांजेक्शन हमने उसमें करी थी, कुछ हमने एक्सपेंसेस की भी एंट्री हमने करी थी और कुछ हमने स्कूल के लिए फिक्स्ड असेट्स यानी कि फर्नीचर वगैरह भी हमने परचेज किया था और कुछ हमने इसमें बैंक के द्वारा भी भुगतान किया था, बैंक में कैश डिपॉजिट भी हुआ था और सैलरी की जर्नल एंट्रियाँ भी हमने करी थी। और आज इन्हीं जर्नल वाउचर एंट्रियों से जो हमने एंट्रियाँ करी है बुक्स में और उसी बुक्स के आधार पर हम स्कूल की एज ए ऑडिटर के व्यू के अनुसार हम इसकी फाइनलाइजेशन इसका डाटा तैयार करेंगे, इसकी बैलेंस शीट हम किस तरीके से बनाएंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इसका किस तरीके से बनेगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इसका किस तरीके से बनने वाला है। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को लास्ट तक जुड़े रहें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम तैयार करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स का मतलब भी स्कूल में कितनी रिसिप्ट हुई है और कितने रुपए का हम भुगतान कर चुके हैं, ये सारा का सारा कैश का फ्लो ही चलेगा, कैश इन और आउट का, यानी कि किस तरीके से आपको रिसिप्ट हुई है और पेमेंट में मतलब आपने कितना रुपए का भुगतान किया है और किस तरीके से किया है, यानी कि किन किन को भुगतान आपने किया, उन एक्सपेंसेस के नाम हमें लिखने पड़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें हमारी कैश बुक को ओपन करना पड़ेगा। कैश बुक ओपन करने के लिए हम जाएंगे डिस्प्ले पर, डिस्प्ले पर जाने के बाद अकाउंट्स बुक पर और अकाउंट्स बुक पर जाने के बाद हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कैश एंड बैंक बुक्स, इस पर हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारी कैश इन एंड और बैंक ऑफ बड़ौदा का बैलेंस है जो शो होने लग जाएगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए कैश और कैश पे आने के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो कितनी कैश हमें रिसीव हुई है और कितना पैसा हमारे से गया ये सब डिटेल आपकी डेबिट और क्रेडिट की शो हो रही है। तो सबसे पहले रिसिप्ट, रिसिप्ट में हमने एक श्री आकाश की एक कैपिटल की एक एंट्री हमने करी है तो श्री आकाश के नाम से एक लेजर क्रिएट किया है अंडर में कैपिटल अकाउंट के और 50,000 रुपये यानी कि कैपिटल इंट्रोड्यूस की एंट्री हमने रिसिप्ट में वाउचर में एंट्री इसकी करी है। तो रिसिप्ट वाउचर में सबसे पहले हम यहाँ पर वर्डिंग लिखेंगे कैपिटल इंट्रोड्यूस 50,000 रुपये से और उसके बाद जो रिसिप्ट हमें हुई है वो सारी स्कूल की फीस के रूप में हुई है, लेकिन जब अगर हम इसके इनकम एंड एक्सपेंसेस वाउचर में हम जाएं तो यहाँ पर हमें अलग अलग हेडवाइज यहाँ पे इनकम शो हो रही है, यानी कि हमने एडमिशन फीस भी लिया है, कंप्यूटर फीस भी लिया है, गेम फीस भी लिया है, लैब लाइब्रेरी फीस वगैरह अलग अलग हेडवाइज हमने यहाँ पे फीस को जनरेट किया हुआ है, लेकिन जब हम एक्सेल में इसका डाटा तैयार करेंगे तो हमें यहाँ पर ये सारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है भी हमें एडमिशन फीस हमें कितनी मिली है या कंप्यूटर फीस कितनी मिली है, वहाँ पर हम वर्डिंग केवल एक ही लिखेंगे फीस received from
स्टूडेंट्स यानी कि केवल हमें इतना ही वर्ड लिखना है, यहाँ पर हमें एडमिशन फीस, कंप्यूटर फीस या ये कुछ लिखने की जरूरत हमें नहीं है। और जो टोटल फीस है वो आई हमारी 22,700 रुपये की, तो हम यहाँ पे केवल नेट अमाउंट ही लिखेंगे 22,700 रुपये की। तो इस तरीके से वापस हम डिस्प्ले पर जाएंगे, अकाउंट्स बुक पे जाएंगे और कैश पर जाएंगे। और उसके बाद ये तो था हमारा जो कैश हमें रिसिप्ट हुई है, और ये जो कैश हमारी क्रेडिट हुई है, इनके जो पैसे हमारे से गए हैं, तो एक तो 150 रुपये गए हैं, और जाने का जो इसका रीजन है वो स्टेशनरी एक्सपेंसेस। अगर इस पर हम इंटरप्रेस करें तो यानी कि हमने इससे वॉल पेन रजिस्टर एंड फाइल परचेज कुछ हमने ये स्कूल का खर्चा किया था, तो ये हम इसे पेमेंट वाउचर में इसकी एंट्री करेंगे स्टेशनरी एक्सपेंसेस के नाम से 150 रुपये। और उसके बाद में 10,000 रुपये हमने बैंक ऑफ बड़ौदा में कैश डिपॉजिट करवाया था, तो ये भी कैश था, तो ये भी कैश मेरे बिजनेस से गई है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा 10,000 रुपये। और उसके बाद में ये 1,000 है वो हमने श्री श्याम फर्नीचर्स को पेड किया था कैश के रूप में, और वो उसकी रिसिप्ट नंबर भी है। तो हम यहाँ पर जो वर्डिंग लिखने वाले हैं श्री फर्नीचर और अमाउंट इसकी 1,000, और जो डिफरेंस है वो हमारे पास है कैश का रहेगा, कैश इन हैंड। और जो कैश इन हैंड का जो बैलेंस जो आ रहा है वो 61,550 रुपये का है, हम वो 61,550 रुपये हम यहाँ पर करेंगे। इस तरीके से हमारा ये रिसिप्ट एंड पेमेंट वाउचर का जो टोटल है वो हमारा 72,700 रुपये, और ये 72,700 रुपये दोनों साइड का इक्वल यानी कि बराबर आएगा। और उसके बाद हम तैयार करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो स्कूल को इनकम किस तरीके से जनरेट हुई है और खर्चा किस किस के रूप में हमने किया है। तो इसके लिए हम वापस गेटवे ऑफ दिल्ली आने के बाद इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट पे क्लिक करेंगे और एल्ट F1 के साथ इसकी डिटेल ओपन करेंगे। तो टोटल फीस हमें ये जनरेट हुई है, और सैलरी और स्टेशनरी एक्सपेंसेस के रूप में हमने ये दो खर्चे किए हुए हैं। तो इनकम साइड में हम यहाँ पर लिखेंगे सेम वही वर्डिंग हम लिखेंगे फीस रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स वह 22,700 रुपये, और एक्सपेंसेस के रूप में हमने किया है एक तो सैलरी है, सैलरी एक्सपेंसेस, जो सैलरी एक्सपेंसेस है वो हमारा 7,700 रुपये है, और एक स्टेशनरी एक्सपेंसेस ये 150 रुपये है। तो अगर हम टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस अगर माइनस करेंगे तो हमारा सरप्लस आ जाएगा, इसे हम फॉर्मूले के जरिए हम लेके आएंगे। तो सबसे पहले जो हमारी इनकम है टोटल इनकम पे हम क्लिक करेंगे, और उसके बाद माइनस करते हुए जितने हमारे खर्चे हैं उसको हम सभी को माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से 14,850 रुपये ये स्कूल का इस मंथ का सरप्लस यानी कि हमारा एक्सेस ऑफ इनकम आवर एक्सपेंडिचर, यानी कि टोटल इनकम में से खर्चे माइनस करने के बाद इतना सरप्लस हमें बचा हुआ है स्कूल को, और ये हमारा 14,850 रुपये है जो इसी बुक्स में भी आ रहा है टेली में भी 14,850 का, और यहाँ पर भी वही वर्डिंग आ रही है एक्सेस ऑफ इनकम आवर एक्सपेंडिचर। अगर ये ट्रेडिंग का बिजनेस होता तो हम यहाँ पर वर्डिंग लिखते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, और यहाँ पे सरप्लस की जगह वर्डिंग आ जाता नेट प्रॉफिट का, लेकिन हम ये NPO की अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सरप्लस वर्ड को ही यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी इस बुक्स का भी 22,700 टोटल है तो दोनों साइड का बराबर आएगा। और उसके बाद जो फाइनली जो डाटा तैयार होना है वो बैलेंस शीट का होना है। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हमने आकाश कैपिटल इंट्रोड्यूस हमने जो किया था वो 50,000 रुपये कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, और उसके बाद में एड सरप्लस 14,850 रुपये का ये यहाँ से ऑटोमेटिक आ गया। अब ऑटोमेटिक किस तरीके से है, हमने फॉर्मूला लगाया था इसलिए फॉर्मूला हम एक बार दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले हम इक्वल का निशान दबाएंगे, और इक्वल का निशान दबाने के बाद हम स्क्रॉल से इसको नीचे ले आएंगे, और जहाँ पे 14,850 लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे और इस पर इंटरप्रेस करेंगे, तो ये फिगर ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी।
और उसके बाद में करंट लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटीज देखने के लिए हमें वापस बैलेंस शीट पे जाना होगा, तो बैलेंस शीट पे हम एंटर प्रेस करेंगे और एल्ट एफ1 के साथ इसकी भी डिटेल ओपन कर लेंगे। तो अब इसमें हमें दिख रहा है हमारी जो करंट लाइबिलिटीज है वो 6825 रुपये आपके सामने शो हो रही है, लेकिन इसी 6825 में कुछ हमारे स्टाफ की सैलरी भी है और एक श्री श्याम फर्नीचर का 2125 रुपये का भुगतान करने वाला ये भी बकाया रहा हुआ है। तो हम इसको दो अलग अलग हेड के रूप में यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज दिखाएंगे। एक तो रहेगा हमारा सैलरी पेबल का, सैलरी पेबल, और एक श्री श्याम फर्नीचर का। जो श्री श्याम फर्नीचर का वो 1125 रुपए है, तो इसकी एंट्री हम करेंगे 1125 रुपए। तो अब जो इसका जो टोटल आ रहा है 6825, इसमें से हम 1125 है जो माइनस कर देंगे, यानी कि 6825 माइनस 1125, यानी कि 5700 रुपए की भी सैलरी का भुगतान करना स्कूल की तरफ से बकाया रहा हुआ है इस मंथ एंड, यानी कि 31 जुलाई तक को। तो इस साइड में हमारा फिक्स्ड एसेट रहेगा, फिक्स्ड एसेट में हमारा फर्नीचर है, तो हम यहाँ पे वर्डिंग लिखेंगे फर्नीचर का। और जो फर्नीचर की जो अमाउंट है 2125 रुपये। फ्रेंड्स हालांकि यहाँ पे मैंने इस 2125 पर जो अमाउंट है इसकी, ये नेट अमाउंट है, इस पर किसी भी टाइप का कोई डेप्रिसिएशन चार्ज मैंने नहीं किया है, तो मैं 2125 ही लूँगा। पे अगर हम देखें लोन एडवांसेज, तो लोन एडवांसेज में कुछ भी नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट्स का अगर बकाया रह जाता है तो हम लोन एडवांसेज में रखेंगे, अब नहीं है तो हम यहाँ से इसको हटा देंगे। उसके बाद में कैश एंड बैंक बैलेंस, जो कैश इन एंड हमारे पास बची हुई है वो 61550 रुपये का, और बैंक बैलेंस है 8000 रुपये का। 61550 रुपये का तो कैश इन एंड है और 8000 रुपये का बैंक ऑफ बड़ौदा का क्लोजिंग बैलेंस है। तो इस तरीके से ये हमारी बैलेंस शीट का जो भी दोनों साइड का जो टोटल है 71675 और 71675, ये भी दोनों साइड का बिल्कुल बराबर आएगा। अगर इसका टोटल हम टैली में देखना चाहें तो टैली में भी यही आएगा 71675 का। तो इस तरीके से ये हमारी स्कूल्स की बुक्स की फाइनलाइजेशन हम करते हैं एज ए ऑडिटर के व्यू से। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसे लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो ऐसे लाइक शेयर भी आप जरूर कर देना, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कॉलेज की अकाउंटिंग किस तरीके से मेंटेन की जाती है। अगर इसी वीडियो में हम अगर कॉलेज की अकाउंटिंग को मेंटेन करना सीखेंगे तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो इस पर बनाऊंगा, क्योंकि कॉलेज की अकाउंटिंग और स्कूल की अकाउंटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि वहाँ पे मैनेजमेंट अलग होता है और कॉलेज का फंड अलग चलता है, तो इसलिए मेरे को एक वहाँ पे एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।